गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BGMI का 3.4 अपडेट कब आएगा और उसी के साथ कुछ लीक्स आया हुआ है। सुपरकार का कोलैबोरेशन वोल्क्सवैगन का होने वाला है, फिर उसी के साथ यहां पर हॉनर स्पिन का कम्प्लीटली लीक्स आया है। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और दिखा देते हैं और बता भी देते हैं कि BGMI का क्या हाल है। तो चलो भाई BGMI की बात करें तो गाइस यहां पर BGMI का जो अपडेट है, नॉर्मली तो PUBG मोबाइल का अपडेट आने के बाद एक वीक लेटर आ जाता है, उसका जो अपडेट है 20 सितंबर के आसपास आपको देखने को मिलना चाहिए। लेकिन गाइस अभी ना अगर बात करें हमारी जो साइकिल है, साइकिल 6 सीजन 18 जो एंड होने वाला है भाई लोग, वो अभी हमारा 22 सितंबर को एंड होने वाला है BGMI के अंदर। तो भाई उससे पहले ही अपने को अपडेट तो मिलना चाहिए, लेकिन भाई BGMI का कोई भरोसा नहीं, उनसे अगर कॉपी पेस्ट अच्छे से नहीं हुआ, प्रॉब्लम आया तो फिर वो एक वीक एक्सटेंड कर देते हैं। तो जो कि हर बार हमारे साथ अभी तक 2-4 बार तो हो चुका है, लेकिन इस बार उम्मीद है कि भाई टाइम पे अपने को अपडेट मिल जाए। अभी ऑफिशियली पोस्ट तो आया नहीं है, 2-3 दिन बाद तो आपको देखने को मिल जाएगा हर जगह BGMI की बकचोदी छोड़ के फिर अपडेट की टाइम पास करने लगेंगे। तो चलो यार शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, बता देता हूँ लीक्स आपको दिखा देता हूँ। चलो भाई लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने को वोल्क्सवैगन वाला देखने को मिलने वाला है, जो कि पहला कार तो यहाँ पर पुराना, मतलब अपने को भाई 1960 के ज़माने में लेकर जा रहे हैं, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर आपको येलो कलर का गाड़ी देखने को मिल जाता है, जो कि पुराना मतलब याद आ जाती है 1960 से पहले वाली, तो देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एक अलग ही कलर है भाई इसका, ये गाड़ी का देखो कॉम्बिनेशन पिंक है ब्लू टाइप, और इधर देखो पिंक कलर का प्रॉपर आपको देखने को मिल जाता है ओपन टॉप वाला। सुपर कार तो नहीं बोल सकते आप उन्हीं से, लेकिन ये कार है वोल्क्सवैगन वाला आपको देखने को मिल जाता है। तो देख सकते हैं इस तरह से आपको 2-4 टाइप के अलग अलग गाड़ियों का स्किन देखने को मिल जाता है, और भाई इसमें बहुत ज़्यादा पैसा जाता है। अभी मिथिक गाड़ी तो नहीं दिख रही है यहाँ पर लिस्ट के अंदर, बाकी तो सब लेजेंडरी ही चीज़ें दिख रही, देखते हैं सस्ते में निकल जाए तो मज़ा आ जाएगा, या फिर कोई इवेंट आना चाहिए, जैसे एक बार आया था भाई 8 या 10 हज़ार मीसी में ये गाड़ी आपको मस्त एकदम गारंटेड मिल रही थी, वैसा कुछ। लेकिन चलो कोई ना, यहाँ पर बाकी की चीज़ें देख सकते हैं, आउटफिट हेलमेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो वो भी लेजेंडरी है। फिर उसके बाद बैकपैक का स्क्रीन भी आप देख सकते हैं, 1-2-3 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि येलो कलर में ही है, मतलब गाड़ी का जो कोलैबोरेशन है उसी रिलेटेड मतलब इन्होंने कलर रखा है इसका। ओ भाई साहब देख सकते हैं 3 पे। फिर उसके बाद इसका ऑर्नामेंट, ये तो भाई जरूरी है इनको देना, नहीं तो इसके बिना पैसा कैसे निकलेगा, समझ रहे हो, तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद ये UMP 45 का भी स्किन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि इस तरह से आपको ये देखने को मिलता है, जो कि येलो और ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ आपको ये देखने को मिलने वाला है। फिर उसके बाद ये यहाँ पर पैराशूट का स्किन, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कोलैबोरेशन वाला। फिर उसके बाद इंडियन बाइक का भी कोलैबोरेशन है, इंडियन स्काउट 101 यहाँ पर आपको बाइक का स्किन देखने को मिल जाता है। आप देखते हैं PUBG मोबाइल में भी आ रहा है या खाली BGMI में आ रहा है, तो देखते हैं गाइस। इंडियन FTR आर कार्बन का गाड़ी का स्किन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वैसे तो दोनों दिखने में थोड़ा बहुत तो यार 19-20 का फर्क लग रहा है, समझ रहे हो, फिर क्या ही बोले। गाइज यहाँ पर ट्रेलर तो आपने देख लिया, आउटफिट गुडफिट भी आप यहाँ पर देख लो, जो कि भाई खतरनाक आउटफिट होने वाला है। हॉनर स्पिन जो कि सबसे बड़ा वाला मतलब एक सूट के जैसा ही स्पिन रहता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा माल मत्ता आता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये घोड़ा भी आ रहा है भाई, घोड़े का स्किन भी खतरनाक दे रहा है, रिपर्स एंड सेट और बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं यहाँ पर। वो सेट तो मैंने आपको दिखा दिया वैसे स्टार्टिंग में, और इसके अल्टीमेट अवतार और अवतार फ्रेम भी आप यहाँ पर देख सकते हो। हेलमेट का स्किन भी बढ़िया है, मतलब ये जो पैसे वाला स्किन रहता है ना भाई, वो सबसे बेस्ट देते हैं भोपाड़ी के। बाकी यार फोकट में तो भाई आपको क्या ही बोलो यार, गाजर हवाली करूँ देता भेंटी साला,
चलो कोई ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हेलमेट का स्किन भी बढ़िया लग रहा है, लेवल 3 मिथिक में है भाई। बैकपैक का स्किन भी आप देख सकते हैं, लेवल 1 पे आपको इस तरह से देखने को मिल जाता है, लेवल 2 पे आपको इस तरह से देखने को मिल जाता है। वो भाई साहब बैकपैक भी बढ़िया, वैसे डेंजर एकदम थोड़ा सा हॉरर टाइप का फीलिंग देता है, तो देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये लॉबी देख सकते हैं यार, ये भी मस्त लग रहा है भाई। फिर उसके बाद गाइज यहाँ पर ये जो रहता है भाई, बाकी का चीज़ें जो स्टिकर विकर आपको देखने को मिलता है, और ये कुछ अलग लग रहा है क्या, वो तेरी क्रिमसन कैसल का कुछ तो सीन है, मतलब ये कुछ ऐसा इमोट टाइप जो स्टिकर टाइप मिलता है ना अभी आपने को, तो वैसा ही कुछ है। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं घोड़ा, वो तेरी भैंस की टांग, ये इमोट देखो ताली बजाने पर भाई भाग के आता है। वायलेट फ्लेम इस इमोट का नाम रखा हुआ है, देख सकते हैं एक्सक्लूसिव इमोट है वेंडी। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं और एक इमोट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि इस तरह से है, कुछ है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं भाई, ये इमोट है कि क्या है। फिर उसके बाद यहाँ ओ तेरी, ये बढ़िया था भाई, ये रिपरसेंट वाला एक इमोट आपको देखने को मिल जाता है, ये ठीक ठाक बढ़िया था। फिर उसके बाद भाई ये देख के तो मेरी हंसी नहीं रुक गई, भिंडी साला क्या ही बोलूं गाइस, मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा ना भाई, वह क्या बोलूं यार, बोला यार ये क्या भाई फ्री फायर में तो नहीं आ गया भिंडी साला, क्या कर रहे हैं पपड़ी के ऐसा भाई। अभी तक हम फ्री फायर पे लैंडिंग वाला जो सीन था ना उन पे हंसते थे, अब वो वाले बंदे अपने पे हंसेंगे, क्योंकि ये वाला भाई इनको देने की क्या जरूरत थी, ऐसा ग्लाइडर जो कि एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट लगता है फ्री फायर वालों का। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं घोड़ा, भाई साहब ये वायलेट फ्लेम हॉर्स आपको देखने को मिल जाता है। वेनम वाला तो भाई अलग है, वो आना बाकी है, उसका कोलैबोरेशन अक्टूबर में होने वाला है गाइस, वो तो खतरनाक चीज होने वाला है। लेकिन इसका भाई खतरनाक है ये भी घोड़ा, और इसके अंदर आपको एक बाइक का स्किन भी देखने को मिल जाता है, जिसको एक स्पेशल इफेक्ट है, देख सकते हैं इसके गाड़ियों में से भाई एकदम घोस्ट राइडर के आग कैसी निकलती है, वैसे ब्लू टाइप का एकदम भाई आग निकलने जैसा इफेक्ट यहाँ पर ऐड कर दिया गया है भाई। तो तेरी यार ये निकल जाए तो मज़ा आ जाएगा यार, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा खाता है भोपड़ी का, देता कुछ नहीं है। प्लेन फिनिश भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी आपको देखने को मिल जाता है। और फिर उसके बाद बाकी के जो आउटफिट रहते हैं मिथिक वाले, ये भी बढ़िया डालते रहते हैं इसके अंदर, तो ये आउटफिट भी बढ़िया है। और इसका इमोट भी है भाई, जी हाँ गाइस इसको इमोट भी दिया हुआ है, देख सकते हैं ये वाला तेरी ग्लास तोड़ने वाला इमोट है, जो कि ठीक ही बोलूंगा मैं, दिया तो है भाई, नहीं तो फालतू में भाई खाली आउटफिट चिपका देते हैं, इमोट तो देते नहीं है, वैसा ही सीन है। लेकिन कोई ना, यहाँ पर आउटफिट भी बढ़िया लग रहा है ये वाला। फिर सेकंड वाला आउटफिट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मिथिक वाला ही है ये, इसका भी इमोट है, दोनों आउटफिट को आपको इमोट देखने को मिलने वाला है, जो कि यहाँ पर इसका इमोट तो इतना कुछ खास लगा नहीं मेरे को, बस पत्ते का कुछ चॉइस करना रहता है और काटना रहता है, बस खत्म बात, यही है, नॉर्मल सा इमोट है इसका भी, इमोट तो कुछ ऐसे खास लगे नहीं है अपने को, लेकिन देख सकते हैं इस तरह से फालतूगिरी है भाई इसके अंदर ना भाई, जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए का यूसी है ना भाई, वही करते हैं इसका पूरा का पूरा अनबॉक्सिंग। चलो कोई ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी चीज़ें यहाँ पर जो रहते हैं, मचाटे के स्किन गिन, ये लेजेंडरी आइटम है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, तो ये मचाटे का स्किन भी आप देख सकते हैं, मिनी 14 का स्किन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्यूबी जेड का स्किन भी है, ये तो लेजेंडरी चीज़ें हैं, ये वैसे मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है आजकल। फिर उसके बाद यहाँ पर ग्रेनेड और अपग्रेडेबल मोलोटोप का स्किन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, वैसे ये जो है ना आपका जो बैरल का स्किन आने वाला है ना, यही स्किन के अंदर है, दो टाइप के बैरल आपको देखने को मिल जाते हैं, वैसे लास्ट टाइम AKM का था लगता मेरे का, वैसा ही कुछ है, तो देख सकते हैं इस तरह से। और फिर यहाँ पर, और भिंडी साला ये विंगमैन है कि क्या बना दिया है इसको रेड, अरे भाई यार ये खतरनाक लुक दे दिया है, ये देखो भाई विंगमैन को क्या बना दिया है गाइज, देख सकते हैं भाई ये तो खतरनाक हॉलीवुड टाइप का एकदम मतलब अलग ही बना दिया है। और इसका कुछ ये देखो भाई इलिमिनेशन वाला भी कुछ मैसेज आपको देखने को मिल जाता है, अब ये लॉबी वाला है कि क्या है भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर उसके बाद एक पैराशूट का स्किन भी देख सकते हैं, जो कि ये भी खतरनाक लग रहा है भाई यहाँ पर। फिर बाकी आप यहाँ पर ना एक लेजेंडरी टाइटल भी मिलता है द रिपर्स एंड नाम से, जो कि एक्सक्लूसिव है इवेंट वाला, मे बी जिन्होंने सभी चीज़ें निकाली है उन्हीं को मिलेगा ऐसा मुझे लग रहा है। और फिर उसके बाद बाकी तो यार यहाँ पर पॉपुलरिटी वाला सीन तो रहता ही है इनके अंदर, क्योंकि वो फेंक के मार देते हैं भाई भपड़ी के ज़्यादा से ज़्यादा, तो वही चीज़ है। और इवेंट का इस तरह से, और ये आउटफिट एक बार फिर से देख लो, इसके हाथ में AKM, और भाई आउटफिट तो डेंजर है भाई, मिल गया ना भाई बल्ले बल्ले भाई, कुछ अलग ही हॉट हॉट सा बना दिया है भाई, क्या ही बोलूँ, देख सकते हैं भाई ये आजकल कुछ अलग ही बना रहे हैं भाई, पबजी वाले हैं या फिर रंडी खाना बन रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बैरल का स्किन, जो कि इस टाइप के दो टाइप में आपको देखने को मिल जाता है, एक ग्लेशियर टाइप में और एक बस नॉर्मल व्हाइट ब्लैक, समझ में नहीं आ रहा है क्या सीन है। ओके, और ये अपग्रेडेबल दोनों उसी के साथ होगा, तो देख सकते हैं इस तरह से भाई बैरल का स्किन तो बढ़िया लग रहा है, वैसे देखा जाए तो ग्लेशियर टाइप का
देख सकते हैं इस तरह से, मतलब हड्डियों से बना हुआ बैरल इस तरह से स्केलेटन वाला टाइप का आपको देखने को मिल जाता है। उसके अंदर ही थोड़ा बहुत इफेक्ट इफेक्ट ऐड करके आपको दिया गया है बस। और अगर बात करें इसके स्पेशल इफेक्ट की तो ओ भाई ये स्केलेटन बाहर निकलता है रे, थ्री एक्सप्लोज, ओ भाई यार ग्रेनेड और मोलोटोव के लिए तो बढ़िया एक्सप्लोजन इफेक्ट दिया है रे इस बार घोस्ट टाइप का। एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट की बात करें तो देख सकते हैं एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट आपको इस तरह से देखने को मिल जाता है जो कि बढ़िया है, नॉट ग्लेशियर टाइप लेकिन ठीक है, देख सकते हैं इस तरह से। और फिर उसके बाद हीट इफेक्ट भी है इसके अंदर ऐड किया गया और ग्लोरियस मोमेंट भी है लेकिन अभी तक वो ग्लीच है तो आया नहीं है। तो गाइज बस यार आज के इस वीडियो में यही रखते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर देना और कौन कौन BGMI के 3.4 अपडेट का वेट कर रहे हैं भाई 20 तारीख के अराउंड आपको देखने को मिल जाएगा, 20 से 22 समझ लो मिल ही जाना चाहिए। तो चलो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।